हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा हिस्ट्री क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इससे पहले मैं दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड ऑलरेडी डिस्कस किए गए हैं, और आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कम्प्लीट कर देंगे। सो हमने पहले देखा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि टैक्सेशन जो दुआब रीजन है वहाँ उसको इंक्रीज़ किया। इसके बाद दूसरा इन्होंने किया कि जो कैपिटल थी वो दिल्ली से शिफ्ट करके देवगिरी कर दी, जो कि दौलताबाद के नाम से जानी जाती है, जो कि एक उनका बहुत ही डिज़ास्ट्रस जो था रिजल्ट निकलता है इसका। इसके साथ साथ उन्होंने एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट भी एस्टैब्लिश किया था, बट वो भी आप देखोगे तो जो भी स्टेप्स इन्होंने लिखे, जो भी इंट्रोड्यूस किए, वो सब एक बहुत ही बड़े फेलर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज मंगोल इन्वेजन इन द ईयर 1328 टू 1329 CE। अब देखिए क्या हुआ कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उन्होंने पूरी अपनी अटेंशन जो है दिल्ली से, क्योंकि उन्होंने कैपिटल शिफ्ट करके दौलताबाद बना दी थी, देवगिरी में शिफ्ट कर दी थी, तो जिसकी वजह से जो दिल्ली, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जहाँ से इन्वेडर्स बहुत सारे इंडिया के अंदर आते हैं और वहाँ पे अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, तो अब वहाँ पे आप देखोगे जो मंगोल्स थे उनकी इन्वेजन्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और अब जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कोई इतना एबल एडमिनिस्ट्रेटर एज सच नहीं था, जैसे कि आप देखेंगे गाजी तुगलक थे या अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने जो पूरा एम्पायर है उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, स्पेशली फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। और जैसे ही मंगोल्स को ये मालूम चलता है कि जो रूलर है उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली है और दिल्ली में अब वो इतना आप देखोगे पावरफुल नहीं है, तो अब इनकी जो इन्वेजन्स है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती हैं। सो नाउ मंगोल्स के जो अटैक है वो बढ़ते हैं, और आप देखेंगे इनका एक मंगोल जनरल था जिसका नाम था तरमाशरीन, ठीक है, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने जो रेड्स थी वो लॉन्च करनी शुरू करी, मैसिव रेड्स करी इनटू पंजाब इस 1328 टू 1329 CE के बीच में। और आप देखेंगे पूरा जो एंटायर रीजन था फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली वो सारा का सारा उन्होंने ट्रैम्पल कर दिया, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लूट एंड प्लंडर करी। और उनके लिए आसान भी इसलिए था क्योंकि उनको किसी भी तरीके का टफ रेसिस्टेंस नहीं मिला, क्योंकि कोई वहां पे था ही नहीं जो उनके साथ फाइट बैक कर सकता था, तो जिसकी वजह से तरमाशरीन जो मंगोल जनरल थे उनके लिए बहुत ही आसान हो गया ये रेड्स को कंडक्ट करना और लूट एंड प्लंडर करना। आगे चलकर ऐसा कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ही पेड हिम ऑफ विद गोल्ड एंड ह्यूज मनी, तो लड़ने की बजाय उन्होंने उनको एक तरीके से उसके बदले में पैसे दे दिए, बट जो कि एक बहुत ही गलत और कॉवर्डली एक्ट माना जाता है। और बट ऐसा है कि कई जो हिस्टोरियंस हैं वो इस व्यू को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जो रूलर है उन्होंने इस तरीके के कोई जो मनी या गोल्ड जो है वो जो मंगोल के जनरल है उनको दिया है। तो अब इसके ऊपर खैर कंट्रोवर्सी है कि ये सच है या नहीं है, ठीक है। सो इस हिस्ट्री में आपको मालूम है इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं, अब क्योंकि आप नहीं जानते उस समय क्या हुआ था, तो देर आर डिफरेंट ओपिनियंस, सो दीज आर द ओपिनियंस ऑफ डिफरेंट हिस्टोरियंस। अब आगे बढ़ते हैं, बट देखिए ये तो ज़रूर था कि मंगोल्स ने बुरी तरीके से रेड करी और काफ़ी लूट एंड प्लंडर उन्होंने इस एरिया में किया, और यहाँ से उनको कोई किसी भी तरीके का टफ रेसिस्टेंस जो है वो मिला नहीं, ये तो खैर फैक्ट है। सो अब आप देखेंगे द लीडर जो तरमाशरीन थे एंड मतलब पूरी तरीके से यहाँ से लूट एंड प्लंडर करके चले गए, और थोड़े टाइम के बाद जब वो रिटर्न होते हैं मंगोल की तरफ, तब यहाँ पे सुल्तान जो है ही टुक प्रिवेंटिव मेजर्स टू सेव गार्ड हिज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। बट यही है कि मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ये प्रॉब्लम है, उनको सारी बातें बहुत देर से समझ में आती हैं, बड़ी हेस्टी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी थे, जो भी उनके दिमाग में आता था वो तुरंत उसको जो कोशिश करते थे इम्प्लीमेंट करने की, फार साइटेडनेस नहीं थी, उनको पता नहीं था आगे जाके क्या होगा, और वो जल्दबाजी में आप देखेंगे रिजल्ट बहुत ही खराब निकले, तो जिसका एक ये था। नेक्स्ट हम देखेंगे एक और बहुत ही उनका बड़ा डिजास्टर रहा था, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉपर कॉइन्स और द टोकन करेंसी इन द ईयर 1329 टू 1330 CE। अब देखिए क्या किया कि अब क्योंकि ट्रेजरी खाली हो रही है, ठीक है, अब उनके पास पैसा है नहीं, मंगोल से फाइट कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा देखेंगे पूरी ट्रेजरी उसमें ख़त्म कर दी कि कैपिटल को शिफ्ट कर दिया,
और डिपार्टमेंट्स में डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से अब इनकी करेंसी खाली हो गई थी। तो यहाँ पे एक ये प्लान लेके आते हैं, वेयर ही द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी वॉज द सेकेंड कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट ऑफ द सुल्तान, एंड द टोकन करेंसी मेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रॉन्ज टनकास इन द प्लेस ऑफ सिल्वर टनकास। तो बेसिकली क्या था कि जो सिल्वर टनकास, जो सिल्वर कॉइन की वैल्यू हो, उसको इक्विवेलेंट कर दिया किसके साथ, कॉपर टनकास के साथ। मतलब कॉपर तनका के वही, मतलब उसको सिल्वर और गोल्ड के साथ ही तोला जाएगा, मेनली सिल्वर के साथ, ठीक है। तो ये एक वो मेजर लेके आए थे, तो वैल्यू जो है वो दोनों की सेम हो गई। तो कारण क्या था क्यों ये मेजर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए? सो आप देखेंगे, बिकॉज वन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ट्रेजरी एम्प्टी थी, और अब ज़रूरत थी कि क्या जो ट्रेजरी है उसको फिल करना, जो भी इनके स्टेप्स थे जो मंगोल इन्वेजन्स की वजह से या ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल, इन सब वजह से। तो अब यहाँ पे ज़रूरत थी कि जो ट्रेजरी है उसको फिल किया जाए। दूसरा आप देखेंगे, फेमिन्स हो रहे थे, ड्राउट्स हो रहे थे उनके एम्पायर में, और काफ़ी हार्श टैक्स पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट करी थी दोआब रीजन में, एंड जिसकी वजह से भी आप देखोगे उनके पास बहुत कम पैसे रह गए थे। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे जो ग्लोबल शॉर्टेज थी सिल्वर की, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न बनता है फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस मेजर ऑफ ब्रास मेटल, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, द सुल्तान वॉज फॉन्ड ऑफ न्यू एक्सपेरिमेंट, and it is likely that he wanted to create a new history in token currency by issuing such a currency in India. तो वो देखिए, वैसे भी experiments ही कर रहे हैं वो अपने पूरे empire में, ठीक है, जितनी भी उनका reign रहा है उसमें वो experiments ही कर रहे हैं। तो उनको ये था कि मैं भी एक ये experiment करके देखता हूँ, क्या पता ये मतलब अच्छा भी हो, जो भी है वो एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते थे, तो ये भी एक रीज़न था। इसके साथ साथ आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी कोई करेंसी इंट्रोड्यूस करी गई थी पूरे वर्ल्ड में। आप देखेंगे इससे पहले चाइना में भी जो टोकन करेंसी वो यूज़ करी गई थी, और जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहती है। एंड सिमिलरली आप देखेंगे ईरान में भी ये जो टोकन करेंसी की जो है वो इंट्रोड्यूस करी थी, और दोनों कंट्रीज़ में ये काफ़ी जो यूज़फुल और यूजफुल प्रूफ होती है। तो वही चीज़ को कॉपी करके जो है मोहम्मद बिन तुगलक 1329 से 30 के बीच में अपने एम्पायर में ये जो है कॉपर करेंसी, इसको जो तनकाज है इसको इशू करते हैं, जिसका मतलब यही था कि कॉपर जो है अब वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के। सो बट यहाँ पे उन्होंने दो बड़ी मिस्टेक्स कर दी, ठीक है। उन्होंने ये इंट्रोड्यूस तो किया, बट उसके साथ साथ दो गलती कर दी, जिसकी वजह से ये जो पूरा प्रोजेक्ट था ये भी बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाता है। पहली गलती ये करी उन्होंने कि द स्टेट शुड हैव वेस्टेड द मोनोपोली ऑफ मेकिंग कॉइन्स विद द रॉयल मिंट, कि मतलब सिर्फ सरकार के पास या राजा के पास ही ये अधिकार होना चाहिए कि वो सिक्के वो ही बनाएंगे और उनकी मोनोपोली होगी, कोई और उसको नहीं करेंगे। तो ये उनकी गलती हो गई कि उन्होंने उसको मोनोपोलाइज नहीं किया। दूसरा उन्होंने क्या किया, द टोकन करेंसी शुड हैव बीन बैक्ड बाय सफिशिएंट गोल्ड बिलियन, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसके बदले में सारा गोल्ड वगैरह दे दोगे टोकन करेंसी को, आपके पास सेफ गार्ड के तौर पे सेव करके भी सोना जो है वो रखना पड़ेगा। सो ये दो मेजर उनकी मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो बुरी तरीके से फेल हो जाता है। तो अब कॉजेस क्या है इसके फेलियर के, सो अब देख लेते हैं कि क्योंकि उन्होंने कॉपर करेंसी को इक्वल वैल्यू उसकी बना दी थी किसके बराबर, सिल्वर और गोल्ड के बराबर, और क्योंकि उन्होंने अब मिंटिंग के लिए कोई मतलब मोनोपोली नहीं ली, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, द पीपल दे स्टार्टेड मेकिंग सच कॉइन्स इन देयर ओन हाउसेस, लोगों ने अपने घरों में सिक्के बनाना शुरू कर दिया। और जो पेजेंट्स थे वो क्या करते थे, दे यूज टू कीप द सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स इन देयर हाउसेस एंड स्टार्टेड पेइंग ऑफ द टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ कॉपर करेंसी। तो अपने घरों में सोना और चांदी रखा है, उसके बदले में कॉपर करेंसी में उसको पे कर रहे हैं टैक्सेस को। इसके अलावा और क्या रीज़न है, आप देखेंगे कि जो फॉरेन मर्चेंट्स थे जो कि ईरान या इराक से आते थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम कॉपर करेंसी को, जो कॉपर कॉइन्स है उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जिसकी वजह से अब ट्रेड भी सफ़र कर रहा है, अब उनको फिर से उसके बदले में गोल्ड या सिल्वर देने पड़ रहा है, जिससे कि उनकी इंपीरियल प्रेस्टीज भी जो है वो सफ़र कर रही है। एंड नेक्स्ट आप देखोगे कि कॉइन्स इतने सिंपल डिज़ाइन के थे कि बहुत ही बेसिक कॉइन्स उन्होंने बनाए थे, जिसकी वजह से कि लोग उनको बड़े आसानी से कॉपी कर पा रहे थे अपने घरों में। एंड आप देखेंगे एक समय ऐसा आ गया था कि राजा के बोला जाता है राजा के पैलेस के बाहर आप देखोगे बड़े बड़े ऐसे माउंटेन्स होते थे इसके कॉपर कॉइन्स के। सो माउंटेन्स ऑफ कॉपर कॉइन्स कलेक्टेड आउटसाइड द स्टेट ट्रेजरी, मतलब इतने सिक्के हो गए थे उसके, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये फिनेंशियल लॉस जो है वो
रूलर को, जो एम्पायर को फाइनेंशियल लॉस बहुत बुरी तरीके से होता है और सारी ट्रेजरी आप देखेंगे ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके खाली हो जाती है. सो ये भी जो उनका एक्सपेरिमेंट था ये भी बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो जाता है. एंड लास्टली हम इसमें डिस्कस करेंगे कॉन्क्वेस्ट प्लान्स क्या थे उसके. अब उन्होंने, क्योंकि इंपीरियलिस्ट था, इंपीरियल पॉलिसी उसने अडॉप्ट करी थी एक्सपेंशन की, तो जिसकी वजह से अब वो चाहते थे, पहला क्या था, प्लान फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ईरान, जिसको बोला जाता है खुरासन, उस समय पे बोला जाता था. तो इनका प्लान था कि ये ईरान को कब्जाएंगे, क्योंकि ईरान जो है एक फॉरेन लैंड होगा तो इससे इनकी प्रेस्टीज बढ़ेगी और इनकी इंपीरियलिस्ट पॉलिसी थी तो ये ही करना चाहते थे. बट आगे क्या होता है, और ऐसा भी था कि खुरासन में, ईरान में जो है कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, तो यहाँ पे ये सोचते हैं अगर ये खुरासन का इलाका कब्जा लेंगे तो इससे उनको सिंध और पंजाब को सेव करने में, मतलब जो मंगोल्स के इन्वेजन हो रहे हैं उनसे पंजाब को और सिंध को सेव करने में उनको बहुत बड़ी हेल्प होगी. तो यहाँ पे इस वजह से ही मस्टर्ड अ वास्ट आर्मी ऑफ अबाउट 370,000 कैवलरी एंड पेड देम फॉर फुल वन ईयर फ्रॉम द पब्लिक ट्रेजरी. तो उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी जो है इस पर्पज के लिए जो है वो मस्टर करी, तैयार करी, और आप देखेंगे उनको एक साल पहले ही पूरी तनख्वाह दे दी, ठीक है. और इसके अलावा जो मंगोल्स और इजिप्ट थे वो भी ये प्लान बना रहे थे कि वो जो है ईरान पे अटैक करेंगे. सो और जो भी ईरान में इंटरनल प्रॉब्लम्स हो रही है उसके वीकनेस का फायदा उठाएंगे. तो यहाँ पे मंगोल्स, इजिप्शियंस और मोहम्मद बिन तुगलक, वो तीनों जो है एक जॉइंट प्लान बनाते हैं कि अटैक करने का. बट लेटर क्या होता है, जो मंगोल रूलर है वो ही वॉज सेट असाइड बिकॉज ऑफ रिवोल्ट्स देयर. तो उसके वहाँ पे रिवोल्ट हो रहे थे तो वो पीछे हट जाता है. सिमिलरली जो इजिप्ट के किंग है उनकी भी आप देखोगे ईरान के रूलर के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो वो पीछे हट जाते हैं. एंड फिर सिमिलरली मोहम्मद बिन तुगलक को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है तो धीरे धीरे आगे चलकर वो भी इस प्लान से बिल्कुल पीछे हट जाते हैं. और इसकी वजह से देखिए फाइनेंशियल नुकसान तो बहुत हो रहा है क्योंकि इतनी बड़ी मिलिट्री उन्होंने रखी थी इसी पर्पज के लिए और वो पर्पज जो है वो सॉल्व भी नहीं हुआ. और इसके अलावा जो उनके एनिमीज थे सुल्तान के, वो इस प्लान को दे डिड नॉट गिव अप और उन्होंने क्या करना शुरू किया, और जो डिसबैंडेड आर्मी थी उन्होंने अपने ही इलाके में एम्पायर के अंदर ही लूट एंड प्लंडर करना शुरू कर दिया, जिससे कि सुल्तान को बहुत ज़्यादा ट्रबल हो. सो दिस प्लान ऑफ मोहम्मद तुगलक ऑल्सो एंडेड इन अ फियास्को, मतलब इट वॉज अ कम्प्लीट फेलर. तो ये जो प्लान था ईरान पे कब्जाने का और जो मिलिट्री उन्होंने उसके लिए मेंटेन करी, दोनों ही बिल्कुल ही बेकार साबित होते हैं. नेक्स्ट क्या था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कराचल. कराचल कब, कौन सी ईयर में, 1337 टू 1338 CE में. अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा, इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद राजपूत स्टेट्स इन कुमाऊं एंड ग्वालियर गढ़वाल रीजन. तो इस इलाके में हिली ट्रैक था तो ये कराचल यहाँ पे पड़ता था. एंड द हिली ट्रैक एंड दीज हिली ट्रैक्स यूजुअली सर्व्ड एज अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज फॉर द रिबेल्स. क्योंकि ये हिली ट्रैक था तो जो भी लोग राजा से भाग के जाते थे तो वहाँ पे वो शेल्टर या रिफ्यूज लेते थे. तो राजा चाहते थे कि यहाँ पे अटैक करके ये एरिया को कब्जा लें और सारे रिबेल को जो है वो सप्रेस कर दें. सो इस चक्कर में जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो उन्होंने लगभग अपनी 1,00,000 की आर्मी भेजी कराचल को कॉन्कर करने के लिए अंडर हिज नेफ्यू खुसरो मलिक, जो कि कमांडर इन चीफ था, उनके साथ उन्होंने यहाँ पे आर्मी भेज दी. तो शुरुआत में आप देखेंगे काफी सक्सेस उनको मिलती है एंड इट फ्लश्ड विद द इजी विक्ट्री ऑफ कराचल. तो अब क्या होता है, कराचल तो बड़े आसानी से जीत जाते हैं, अब उनके प्लान्स और बड़े हो जाते हैं. अब कराचल जीतने के बाद वो तिब्बत की तरफ मार्च करना शुरू कर देते हैं. पर यहाँ पे क्या होता है, बहुत बारिश होती है, गुड्स एंड सप्लाइज ठीक से उनको नहीं आती है, राशनिंग नहीं, लोगों को राशन नहीं मिलता है ट्रूप्स को, तो जिसकी वजह से द ट्रूप्स वर पैरालाइज्ड एंड सुल्तान हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड मोर ओवर द सोल्जर्स वर साइकोलॉजिकली डिमोरलाइज्ड. क्योंकि देखिए वो जो पहाड़ी ट्रैक्ट है उसमें इनको जाने की, मतलब उनको आदत नहीं है, तो ये चीज़ बहुत मुश्किल थी उनके लिए तिब्बत को जो है कैप्चर करना. तो यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से सफ़र करते हैं, ऊपर से अब हिमालयन जो स्नोज है हिमालयस की, वहाँ पे वो पहुँचते हैं, वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जो कि क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होती है, स्नो में वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. उसके बाद प्लेग हो जाता है वहाँ पे, ठीक है. सो ऊपर से रेडर्स जो हैं वो प्लंडर कर देते. तो इसकी वजह से जो जितनी भी उन्होंने आर्मी भेजी थी वो बुरी तरीके से, उनकी शुरुआत में तो जीतते हैं बट आगे चलकर उनको बहुत बुरी तरीके से लॉस होता है. एंड आप देखेंगे अल्टीमेटली सिर्फ 10 हॉर्समैन जो हैं वो वापस आते हैं सुल्तान के पास और वो उसको वो सारा ट्रेजिक स्टोरी बताते हैं. और बट जब वो वापस आते हैं तो सुल्तान उन सारे 10 सोल्जर्स को जो हॉर्समैन है उनको मरवा देता है, ठीक है. सो ये भी एक बहुत ही, आप कह सकते हो ये भी एक एक्सपेरिमेंट या जो भी उनका प्लान था ये भी बुरी तरीके से फेल होता है. तो अल्टीमेटली हम यही देखेंगे, जो हम कंक्लूजन में यही समझेंगे कि
कि कोशिश तो बहुत करी थी सुल्तान ने कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी अच्छे एक्सपेरिमेंट्स थे, बट एक्चुअली वो उस टाइम के हिसाब से उस एरिया में सूट नहीं करते थे, तो इस वजह से ये सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो बुरी तरीके से फेल हुए. एंड ही वॉज नॉट अ फार साइटेड पर्सन, मतलब उनको विजन नहीं था आगे का कि आगे क्या होगा. अगर ये ऐसा प्लान इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उन्होंने इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा और प्लान्स इंट्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से जो हिस्टोरियंस हैं और बहुत से लोग इनको ब्लड थर्स्टी लुनाटिक एंड टायरेंट इस सब नाम से भी बुलाया करते थे, इनको पागल समझा जाता था. ठीक है, अब सो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक और उनके एक्सपेरिमेंट्स. अब हम देख लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है मोहम्मद तुगलक के एक्सपेरिमेंट का. तो आप देखेंगे बहुत ही डिवास्टेटेड इम्पैक्ट होता है. तो सबसे पहले द लैंड्स बिकेम बैरन एंड एग्रीकल्चर सफर्ड. तो ठीक है, जो भी इन्होंने मेजर्स अडॉप्ट किए, जैसे कि दुआब रीजन में जो टैक्सेस को बढ़ा दिया, तो जिसकी वजह से फैमिन्स आए, ड्राउट आए, लोग जो है ढंग से वो नॉर्मल भी उनके लिए टैक्स पे करना मुश्किल था, ऊपर से डबल कर दिया था तो वो और मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से वो जंगल की तरफ भाग गए. तो उसकी वजह से बहुत सफरिंग होती है, जिसकी वजह से लैंड्स जो है वो ऐसे ही बैरन पड़ी हुई है और एग्रीकल्चर जो है बुरी तरीके से सफर करता है. नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ वेल्थ. तो आप देखेंगे पैसे का तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो उनका डिसीजन था कैपिटल को शिफ्ट करने का, उसमें बहुत ज़्यादा पैसों का लॉस होता है. इसके अलावा मंगोल इन्वेजन्स की वजह से भी उनको काफ़ी बड़ा जो है पैसे का नुकसान होता है. ऊपर से जो कॉपर कॉइन जो टनकास का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी एक रीज़न है लॉस का, और ऊपर से बड़ी आर्मी को मेंटेन करना, तो काफ़ी सारे मल्टीपल रीजन्स हैं जिसकी वजह से उनको वेल्थ का बहुत ज़्यादा लॉस होता है. नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मंगोल इन्वेजन्स. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया, उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर ली कैपिटल. ठीक है, तो मंगोल्स जो है बड़ी आसानी से उन्होंने काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो लूट एंड प्लंडर करके वो ले गए, तो ये भी एक रीज़न है. इसके बाद इंटरनल रिवोल्ट्स और रिवोल्ट्स इन फार ऑफ प्लेसेस. तो अब आप देखेंगे लोग इतने अनसेटिस्फाइड थे अपने रूलर के साथ कि इंटरनल रिवोल्ट शुरू हो गए. आप देखेंगे हर जगह पूरे एम्पायर में हर जगह जगह पे रिवोल्ट हो रहे थे, जैसे कि बंगाल, सिंध, अवध, डेक्कन, हर जगह आपको रिवोल्ट देखने को मिलेंगे. और जो सुल्तान अपने आखिरी 10 सालों में आप देखोगे, वो बस ये रिवोल्ट को सप्रेस करते ही उनकी अल्टीमेटली डेथ भी हो जाती है. एंड अल्टीमेटली आप देखोगे बंगाल और डेक्कन जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं. डेक्कन में आप देखेंगे दो नए स्टेट्स आगे चलकर, बाहमनी किंगडम एक काफ़ी पावरफुल था एंड विजयनगर किंगडम. ठीक है, विजयनगर किंगडम के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी हुई है, जो कि आपके नेक्स्ट यूनिट का सिलेबस है, आप वो चाहे तो देख सकते हैं. तो विजयनगर एम्पायर एक बहुत ही ग्लोरियस एम्पायर था, वो स्टैब्लिश होता है. तो इस तरीके से आप देखोगे धीरे धीरे उन सब एरियाज में जो तुगलक डायनेस्टी है उनका इन्फ्लुएंस जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है. एंड अल्टीमेटली 1351 CE में जब सुल्तान जो थे ही वॉज परसुइंग अ रिबेल चीफ इन सिंध, ही डाइड नियर थत्ता. तो थत्ता के पास उनकी मौत हो जाती है. एंड उनके बाद द चीफ दे इलेक्टेड हिज कजन फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का आगे कोई हेयर नहीं था, तो जिसकी वजह से जो है उनका जो कजिन है फिरोज शाह तुगलक वो आगे चलकर अगला रूलर बनता है. सो ये थे, इसी के साथ ही हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म होता है. सो ये हमने इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी है कि मोहम्मद बिन तुगलक थे कौन, क्या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स थे, क्या रीजंस थे फेलियर के, और क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनके एम्पायर में इन सब चीज़ों का. सो आई होप आपको ये टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा. अगर फिर भी आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ.